चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में आई त्रासदी की। उत्तराखंड टनल में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। टनल से ऊपर फिर एक झील बन चुकी है, जिसके बाद आशंका इस बात की है कि यह झील तबाही का सबब बन सकती है। न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा ने इस झील की पड़ताल की है। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब का खौफ अभी लोगों के जहन से मिटा भी नहीं है कि कुदरत एक बार फिर डरा रही है। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी यह अस्थायी झील कुदरत की तबाही की वो टाइम बम है जो फूटने पर तपोवन में तांडव मचा सकती है, क्योंकि 7 फरवरी को पहाड़ों के ऊपर से जो सैलाब नीचे मौत बनकर लोगों पर टूटा वो तो तबाही का सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन उसके बाद बनी यह अस्थायी झील कुदरत की विनाशलीला की असल फिल्म है। खबर पर मोहर और मोहर के बाद न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है जहां से दावे की जो हकीकत है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो दावा यहां के लोकलाइज ने किया और उनकी मानने पर न्यूज नेशन आगे बढ़ा। आपको दिखाई इससे पहले नदी की तमाम रुकावटें और इस अंदेशे पर ये मोहर भी लगी कि हाँ, आगे जो झील है वो बन चुकी है। और इस वक्त आपको उस झील की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे ये नीले रंग का मनमोहक दृश्य, जो झील का पानी है जहां तक नजर डालेंगे वो वहां तक दिखाई दे जाएगा। हालांकि इसके काफी आगे तक इसी तरह का नजारा है। तपोवन में महाखतरे की सबसे बड़ी पड़ताल। अब तक आपने तबाही की इस झील के बारे में सुना होगा, दूर से झील को देखा भी होगा, लेकिन न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले इस झील के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दी थी। और एक बार फिर से न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है ये पड़ताल करने के लिए कि इस झील से तपोवन को कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा चीजें एक और बता दें कि बताया ये गया कि जो एजेंसियां SDRF पहुंची और तमाम जो पिक्चर सामने आई, कहा गया कि रिसाव शुरू हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है, रिसाव आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये रिसाव की धारा उतनी तेज है जितनी तेज सामने से आने वाली शायद नदी की भी नहीं होगी। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो पानी पिछले करीब हफ्ते भर से रुका था, अगर उसको रिसाव की जगह मिली है तो उसके बाद वो कितनी तेज कलकल करता बह रहा है, बल्कि उसका साउंड भी सुना जा सकता है। हिला हिमालय तो फटेगा पानी बम। न्यूज नेशन ने सबसे पहले इस झील के बारे में अपने दर्शकों को बताया था, और एक बार फिर जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे साथ मौजूद रहे वो शख्स जिन्होंने तबाही के इस टाइम बम के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। आशीष हमारे साथ हैं। आपको बता दें आशीष वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर जो है वो आशीष के द्वारा आगे गई थी। आशीष, ये हमें आप बताओ कि ये जो झील हम इतनी देख पा रहे हैं ये और आगे कितनी तक हो सकती है? एक बहुत आगे तक होगी, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी झील हो सकती है ये। 1 किलोमीटर लंबी? क्या इसमें मोड़ है आगे? आगे से मोड़ है और ये लंबी झील हो सकती है, काफी काफी लंबी जी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता, क्योंकि काफी संकरा है यहाँ पे। जी यहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकती होगी, इधर उधर से पहाड़। अंदाजा ठीक है जी, सही है। झील आगे कितनी लंबी है इसका अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन खतरे का ये वो अलर्ट है जिसे लेकर प्रशासन, सरकार समेत स्थानीय लोग पूरी तरह चौकन्ने हो चुके हैं। झील से पानी का रिसाव तो हो रहा है, लेकिन जिस गति से हो रहा है वो क्या किसी बड़ी तबाही को रोक पाएगा? तपोवन के ग्राउंड जीरो से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन।